एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग जो बोर्ड में और कंपटीशन में आते हैं, जो नीट और आईआईटी लेवल में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज आप लोग डेली खाते हैं चीनी, सुक्रोज माने केन शुगर, गन्ने की मिठाई, ठीक। करा की हाउ मेनी एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? तो इसका सलूशन देखिएगा बेटा, सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। यहां पर इंडिविजुअल एटम नहीं पूछा बेटे, यहां पर टोटल एटम्स पूछा है। तो एटॉमिसिटी क्या लेंगे? सारे एलिमेंट्स की लेंगे। इसकी लेंगे सारे एलिमेंट्स की। तो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 12 + 22 + 11 34, 135 और 10, 45 एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल्स में? 45। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा बेटा? मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू पावर के थ्रू नंबर। मोल कितना हो गया? 1। एटॉमिसिटी 45। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आप लोग खुद से करिएगा, आपको बोर्ड में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 45 × 6.02 × 70.99 × 10⁻²³ आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप दे दिया जाए, जरा देखिएगा दोस्तों। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज? यहां पर सुक्रोज का अमाउंट दे दिया गया, ठीक। तो जब आपको अमाउंट गिवन होगा तो आप क्या निकालोगे? मोल्स। अब आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? मोल्स ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास जरा चेक करिए, C12H22O11 कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन 16 × 11 टोटल करोगे 342 आएगा ग्राम पर मोल। ये मास कितना हो गया? 3.42 ग्राम। मोलर मास कितना आया? 342 ग्राम पर मोल। डिवाइड करो क्या आएगा? 0.01 कितना आएगा? 0.01 मोल। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आपका। अब नंबर ऑफ सी एटम्स मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू पावर कैलकुलो नंबर। तो मोल कितना बेटा? 0.01। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है देखिए जरा, C12H22O11 कार्बन की एटॉमिसिटी 12। तो कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है आंसर जरा देखिए, 0.01 × 6.022 × 0.7226 × 10⁻²³ 7.22
एक पावर कम हो जाएगी, देखिए डेसिमल जब ये आपका लेफ्ट ये राइट, जब डेसिमल लेफ्ट से राइट जाएगा तो पावर रिड्यूस होगी और राइट से लेफ्ट आएगा तो पावर इंक्रीज करेगी, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया नंबर आपका आ गया। ऐसे बेटा आप दूसरे एकांक निकालोगे, ऐसे ही आप लोग बेटे निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैसे होगा देखिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम एटम मोर और हाइड्रोजन के नाम से भी देखिए 22 मोल, सबके लिए मोल सेम होगा, 23 आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आप देखो 0.01
ये एटॉमिक नंबर हुआ है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनों में, और 12 एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास A इक्वल टू होता है B प्लस 10, एटॉमिक मास A हो गया 12, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो टोटल अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना आ जाएगा 18। 6C12 में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना आ रहा है 18। अब आप मोल्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ 6C12 निकाल लो, कितना ग्राम आ गया है 12, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल 1 मोल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू मोल इनटू एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ 18 इनटू पावर कह दो नंबर 1 इनटू 18 इनटू 2। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, देन इट विल बी 1 इनटू 18 इनटू 6.022, ये वैल्यू आ गई 108.396, 10 to power 23, डेसिमल 2 डिजिट पर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 10 to power 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.08 10 to power 25। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और सी पर, तो देखिए कार्बन कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, और इन तीनों का सम क्या होगा 18। तो एटॉमिसिटी की वैल्यू आप लोग क्या लोगे 18, मास कितना दिया 12 ग्राम, मोल में कन्वर्ट करोगे 1 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स मोल इनटू 18 इनटू आवर के दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml ऑफ H2O, 1.8 ml H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको बता दें यहां पर वॉल्यूम दिया और एसटीपी नहीं दिया, तो आप इसको डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सॉल्यूशन समझिएगा। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम बी इनटू डेंसिटी। तो मास वॉल्यूम आपको कितना दिया वाटर का 1.8 ml, कितना दिया है इनटू डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ml तो 1.8 ml इक्वल टू 1.8 ग्राम, क्लियर, 1.8 ml इक्वल टू 1.8 ग्राम। आप बेटे आप निकालोगे मोल्स ऑफ H2O, माने 1.8 ml में कितने H2O के मॉलिक्यूल मोल्स होंगे, तो 1.8 और H2O का मोलर मास H का 1 × 2 का 16 इक्वल टू 18, 18 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल 0.1 मोल। इसका मतलब क्या निकला कि 1.8 ml H2O इक्वल टू 0.1 More H2O। अब तो सिंपल है, दूसरी बात समझिएगा कि H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H में कितना इलेक्ट्रॉन होता बोलो 1 × 2, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इट मींस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन इन द ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ
total number of electrons in H2O molecules is equal to 10 electrons. तो अब आप क्या करोगे? Number of H2O molecules निकालोगे, क्या आ जाएगा बेटा? More into Avogadro number, तो ये हो जाएगा 0.6022 × 10²³ molecules. और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.6022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10. एक में 10 मल्टीप्लाइड बाय 23, इट विल बी 6.02 × 10²³. तो 1.8 ml में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे? 6.02 × 10²³. ये समझ लीजिएगा, ध्यान से फिर सुनिए. आपको 1.8 ml H2O दिया बेटा, तो आप इसको मास में कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम को. तो प्योर वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा 1 ग्राम पर ml होती है. तो मास इक्वल टू फार्मूला होता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना है? 1.8 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1.8 ग्राम. ठीक, अब इसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे. मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. 1.8 डिवाइड बाय 18.1 मोल आ गया आपका. अब 1.8 मोल इक्वल ml इक्वल टू माने 1.8 ml H2O किसके बराबर हो गया? 0.1 मोल H2O के. अब 1 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल नंबर, सॉरी, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल है. कैसे? एक H2O मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 1, 2, ऑक्सीजन 1. और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. तो दो हाइड्रोजन में 2, 1 × 2. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8. तो 1 × 2 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन्स. आपने जितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे आप उसको क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो आपका आंसर क्या आया? 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स. आप देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, इसी से रिलेटेड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 3.2 ग्राम ऑफ CH4. CH4 समझ लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6. हाइड्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1. तो इसका मतलब एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन इन CH4 इक्वल टू, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन. कितने हाइड्रोजन है? 4. तो 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन. तो CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10. अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ CH4. CH4 का मास कितना दिया? 3.2 ग्राम. CH4 का मोलर मास निकालोगे कार्बन का? 12. हाइड्रोजन का 1 × 4, 16 ग्राम पर मोल. ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे 0.2 मोल. अब आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स. तो मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, अब डेसिमल 3 और यहां 4, ये आ जाएगा बेटा यहां पे 1, 2, 3, 4. 1.2044 × 10²³, ये आ गए मॉलिक्यूल्स. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूल्स इनटू 10, के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10. 1.2044 × 10
10^23 1 ये हो जाएगा 12044 10^23 या 1.044 10^20 कितना है आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका होगा ठीक। ऐसे आप निकाल लो क्वेश्चंस। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 14.56 लीटर ऑफ SO2 एट STP। माने 14.56 लीटर SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे एट STP। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना था आपको, मोल चाहिए तभी निकल पाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, मोल्स ऑफ SO2 निकालोगे। इसके लिए आपको क्या फार्मूला बताया गया है, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर है वॉल्यूम लीटर में। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है लीटर में, कितना 14.56 लीटर SO2 का, और डिवाइड किससे करोगे 22.4 लीटर, लीटर लीटर कैंसिल हो गया। अब आप जरा इसको डिवाइड करिए, 14.56 डिवाइडेड बाय 22.4 ये आ गया 0.65। क्या आ गया बेटा 0.65। अब आप निकाल लीजिए एटम्स, SO2 है ना, तो सल्फर की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन कितनी होगी 2, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम क्या हो जाएगा, मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू सॉरी अवोगैड्रो नंबर, क्या होता है अवोगैड्रो नंबर 6.02 10^23, मोल कितना है आपका 0.65, एटॉमिसिटी सल्फर की 1, अवोगैड्रो ये हो गया बेटा। आप सबको मल्टीप्लाई कर लो 0.65 इनटू 1 इनटू अवोगैड्रो नंबर 3.9143 इनटू 10^23 ये सल्फर एटम आ गए। ऐसे आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम्स ऑक्सीजन एटम्स, मोल वही सेम 0.65। अब एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2 इनटू अवोगैड्रो नंबर, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो जरा मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टू इंटू 6.02 7.8286 पावर। ये क्या आ गए नंबर ऑक्सीजन एटम्स। तो ऐसे आप निकालो क्वेश्चन, अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो बेटा तो आप मोल में कन्वर्ट करोगे और फिर एटम्स निकालो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, किसका CO2 का STP। अब आप क्या करोगे और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए, मोल्स। दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, तो कैसे निकलेगा देखिए, आप निकालोगे मोल्स ऑफ CO2 एट STP, तो मोल इक्वल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2.7099 10^24 6.022 10^23। अब देखिए क्या होगा बेटा, जब आप सॉल्व करोगे 2.7099 डिवाइडेड बाय 6.022 तो क्या आ गया आपका 0.45,
और ये पावर ऊपर जाएगी 10^24 × 10^-20 0.45 × 10^1 निकालना बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पाई पाई CO2 एट STP इक्वल टू मोल इनटू 22.4 लीटर, तो 4.5 × 22.4 ये आपका देखिए आंसर आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा तरीका देख लीजिए आप लोगों को 10 हो सकता है टीचर ने पढ़ाया हो। आपको मालूम है 6.022 × 10^23 इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना मालिक्यूल के बराबर कितना वॉल्यूम भी एक मोल के बराबर, तो 6.022 × 10^23 = 20, तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, और कितना मॉलिक्यूल हमारे पास था बेटा 2.7099 × 10^24, तो 22.4 6.022 × 10^23 × 2.7099 × 10^24। अब आप जब डिवाइड करोगे इसको इसको तो वही आएगा ना 0.45 × 10^1, तो 22.4 × 0.45 × 10, और जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो वही आ जाएगा, तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक सुना नहीं बेटा आप लोगों को। देखिए ये कितना मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल, कितना वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू 1 मोल, तो इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, तो जितने मॉलिक्यूल दिए गए उसका आप वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आज केवल इतने क्वेश्चन करते हैं, आज आपको प्रैक्टिस शीट में भेजूंगा आप उसके क्वेश्चंस करिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चंस करते रहिए, जो डाउट है उसको पूछते रहिए बेटा। थैंक यू।